ब्यूटीफुल शोन ऑल द प्रॉब्लम्स इन द मूवी एंड ऑल द सिचुएशंस वाज मजा नहीं आया कुछ खास है, सब डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगे। और पंकज कपूर सर की जो एक्टिंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है इसके अंदर। उनको मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, उनको लास्ट एक वेब सीरीज़ में देखा था, देखना था लॉकडाउन की रियल स्टोरीज़ को एक बार वापस देखना था कि किस तरह से लोगों ने उसको सस्टेन किया है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी लगी। जी, इस पिक्चर का जो मुख्य क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि रियलिटी को काफ़ी हद तक दर्शाए। It was good. What you can say about the storyline? It was actually beautiful. Shown all the problems in the movie and all the situations was quite. मतलब हम बहुत rarely ये सब देखते हैं, अब सिनेमा में ये सब दिखाते नहीं हैं. But हाँ, true events पे ऐसी movies अच्छी होती हैं. क्या लगता है लोगों को पसंद आएगी फिल्म देखने के लिए? पसंद आने वाली बात नहीं है, ये सब relatable है और बहुत ज़्यादा factual है. और बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया है और ख़ास करके एलीट्स को ज़्यादा देखना चाहिए। क्या बात है, सब लोगों का काम वगैरह कैसा है फिल्म में? एक्टर्स सब अच्छे हैं एक्चुअली, सब लोगों ने बेस्ट किया है अपना। 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 5 से ज़्यादा दूंगा मैं तो। थैंक यू। एक्चुअली पिक्चर का टाइटल भी जो कोरोना का इफेक्ट है उसके ऊपर है, मजा नहीं आया कुछ खास है, सब डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगे, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, दौर हमने पहले देखा था, अभी अगेन कुछ वापस डिजिटलाइजेशन के वर्ल्ड में ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आती तो कैसा लगता? मजा नहीं आती ऐसा। ओके, वही ऐसा लग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हैं वैसा लग रहा था। ओके, कोई गाना नहीं है पिक्चर में, स्टोरी भी ये अनुभव सिंह है जो डायरेक्टर है, सब आर्टिस्ट सब वेस्टेड है, चलेगी नहीं पिक्चर। ओके चलो ठीक है, जितना लॉकडाउन के बारे में कहा गया कितना रिलेट कर देखिए, लॉकडाउन के बारे में बहुत कुछ है, लॉकडाउन के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, ना तो कोई हॉस्पिटल का सीन दिखाया है, ना लॉकडाउन के बारे में दिखाया है, मंत्रियों के और मोदी का भी जो डिक्लेरेशन है वो भी कट कर दिया है, तो क्या करेंगे, मजा नहीं आया। राजकुमार राव कैसे लगे भूमि पेटनी? सब वेस्टेड है, आर्टिस्ट सब वेस्टेड है, सब वेस्टेड। काम तो ठीक ठाक किया रहेगा राजकुमार राव? नहीं, वो क्या है, वो एक्चुअली एक ही सीन जो दिखाया हुआ है, एक जगह का भीड़ जो भीड़ है एक्चुअली, इसमें क्या है, वो जो उसने जो काम किया है अपना सोनू सूद ने वो तो दिखाया ही नहीं है, ये भीड़ जो पिक्चर के बारे में उसमें तो कितने लोगों को उसने ट्रांसफर करके दिया है वो दिखाना चाहिए था, तो वो तो दिखाया नहीं है। चलो ठीक है, 5 में से कितने स्टार देंगे आप? एक या दो? दो दो भैया, इट्स अ गुड फिल्म और मतलब मज़ा आया पूरे टाइम देखते हुए। और पंकज कपूर सर की जो एक्टिंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है इसके अंदर। उनको मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, उनको लास्ट एक वेब सीरीज़ में देखा था JL50 मैंने, उसके बाद जर्सी मैंने देखी नहीं, बट इसके अंदर उनका काम बहुत अच्छा है और क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है फिल्म का, स्पेशली जब लास्ट में पता पड़ता है चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड करें, क्योंकि हमारे घर पर भी जो वर्कर्स काम करते थे जब वो माइग्रेंट बन के कहीं और गए तो उनके साथ भी ऐसी सिचुएशन थी। कई सारे हाईवेज की स्टोरी दिखाई है, लोग इवन ट्रक के अंदर भर भर के गए, ऑलमोस्ट 50-70 पीपल एक ट्रक के अंदर भर के गए, वो स्टोरी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करी है। लास्ट के अंदर कुछ चीज़ें थोड़ी अच्छी हो सकती थी, बीच में थोड़ा सा बोर लगा मतलब टू बी ऑनेस्ट, बट फिल्म डेफिनेटली बहुत अच्छी है, लोगों को देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज दिखाई गई है इसके अंदर। सो अनुभव सिन्हा वापस से उसी अवतार के साथ आए हैं जैसा वो मुल्क के अंदर थे या जैसा वो अनेक के अंदर थे, या और थप्पड़ के अंदर थे, मतलब वैसा ही बहुत रिलेटेबल हमें दिखाए, तो हम जब एक मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें फील हुई है। क्या लगता है लोगों को पसंद आएगी फिल्म देखने के लिए? देखिए लोगों के मिक्स रिव्यूज़ हैं, अगर मेरे मिक्स रिव्यूज़ हैं तो मतलब बहुत लोगों के हो सकते हैं, तो या इट्स अ गुड फिल्म, अच्छी लगेगी लोगों को। आई विल गिव 3। भीड़ बहुत अच्छी लगी, दी ललन टॉप पे अनुभव सिन्हा, आशुतोष राणा और राजकुमार राव का इंटरव्यू देखने के बाद में आई वाज वेरी एक्साइटेड, एंड उसके बाद मैंने उसका ट्रेलर देखा, कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट प्रोपोगंडा का भी नज़रिया था वो भी देखना था, लॉकडाउन की रियल स्टोरीज़ को एक बार वापस देखना था कि किस तरह से लोगों ने उसको सस्टेन किया है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी लगी। कोशिश की है बनारस मूवी वर्क्स ने कि बहुत सारी स्टोरीज जो है लॉकडाउन के उनको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकें, लेकिन कुछ एंगल थे जो नहीं भी अगर वो लाते तो चल जाता, क्योंकि तबलीगी जमात वाला लोकेशन के हिसाब से गलत था, यहाँ उनकी लोकेशन थी भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको इस मूवी में लाया गया तो थोड़ा सा तो ड्रामेटाइज किया गया है, बट ओवरऑल अच्छी मूवी है। सब लोगों का काम वगैरह कैसा? काम बहुत अच्छा है राजकुमार राव का, भूमि पेडनेकर का एज अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट बहुत अच्छा काम है,
एंड लोगों को पसंद आएगी फिल्म देखेंगे? बिल्कुल लोगों को पसंद आनी चाहिए। 24th मार्च आज ही रिलीज हुई है एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द मूवी, तो मैं आज ही आया इसको देखने के लिए और मुझे तो काफ़ी पसंद आई। 5 में से कितने स्टार बनते हैं आपको? 5 में से मैं ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके मैं 3.5 तक देना चाहूँगा। मैडम जी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये काफ़ी एक मॉरल डिलेमा और प्रशासन के ऑर्डर्स के बीच में जो क्वेश्चन उठते हैं कि आप क्या ड्यूटी वर्सेज मोरालिटी क्या चूज़ करेंगे, उसका बहुत बड़ा पहलू इस फिल्म में दिखाया गया है। जहाँ पे किसी को भूख लगती है लेकिन उसे भूख के लिए अपनी पूरी जान देने वो इंसान रेडी है और जान लेने भी रेडी है, तो हमेशा से एक इंसान को इंसानियत को चूज़ करना चाहिए या फिर उसके जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वो। लेकिन कभी कभी हर वक्त हम मोरालिटी के पीछे जाएंगे तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी हद तक इस मूवी ने खुला छोड़ा है, आंसर नहीं किया है लेकिन खुला छोड़ा है और हम पे सोचने पे डाला है कि हम क्या करेंगे इस फिल्म में। जी इस पिक्चर का जो मुख्य क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि रियलिटी को काफ़ी हद तक दर्शाए। जब हम ऐसे सिचुएशंस में होते हैं तो सब लोग मतलब पांचों उंगलियां सेम नहीं होती और सब लोग भी सेम नहीं थे। जब लॉकडाउन में ये माइग्रेंट वर्कर्स की सिचुएशन थी और ऐसा ही कुछ सिचुएशन वहाँ पर था, तो रियलिटी दर्शाने के मामले में इस पिक्चर ने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी ज़्यादा किरदारों को अगर इन्होंने दर्शाया भी है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इनजस्टिस हुई है। तो राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, सब लोगों का काम वगैरह कैसा फिल्म में? काम बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आएगी फिल्म देखने के लिए। 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 5 में से 4 मेरे लिए। लोगों को कैसे अपील करेंगे फिल्म देखने के लिए? क्योंकि ये फिल्म थोड़ी संवेदनाओं को छूती है तो लोगों को अब क्या कि आजकल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस है तो लोगों की संवेदनाओं तक पहुँचना ज़रूरी है। थैंक यू मैडम, थैंक यू।